यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला होने जा रही है। रे जी, आप इधर के लोकल हैं, आप सारा जानते हैं। यहाँ मुकाबला नाम का लफ्ज खत्म हो गया है। अरे, रूरल एरिया में स्मार्ट मीटर लगा दिए, जो हमारा गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैंने 50 बार देखे, मेरे गांव के लोग जहाँ से निकलते हैं हॉस्पिटल मढ़ में जाते हैं, मढ़ में डॉक्टर नहीं है, रेफर टू जम्मू। कई लोग ऐसे कहते हैं जरूरी नहीं होता सुलझा हुआ नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ इतना जरूरी नहीं है। आज के जमाने में कितना पढ़ा लिखा नेता जरूरी है। एजुकेशन के बिना, मैंने देखा है जितने बड़े बड़े नेता जो एजुकेटेड थे, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, उनकी वर्किंग का स्टाइल और अनपढ़ लीडर का स्टाइल जो था उसमें टोटल जमीन का फर्क। जीतते हैं, जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को समर्थन देना होगा, चाहे वो भाजपा है या एनसी है या कांग्रेस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैथ साहब के भी हाथ बंध जाएंगे जब उनके साथ समर्थन होगा। तमाम चीज़ें जो आज हमारे व्यूअर्स के सामने आप रख रहे हैं, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हाथ बंध जाएंगे फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, फिर लोगों की आवाज़ बनना मुश्किल हो जाए। मैं आपको ये बात बड़े इमोशनल और बड़े फ्रस्ट्रेशन में बोलने जा रहा हूँ। ये लोग मेरी बात बने हैं फ्रस्ट्रेशन में, मुश्किल वक्त में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस समय हर जगह पर कई सारे लोग जो हैं चर्चाएं कर रहे हैं और कई जगहों पर ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं उसी बीच जब हमने मढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है रैलीज कवर की विभिन्न विभिन्न पार्टियों की, उसमें ही एक चेहरा था इंडिपेंडेंट पूर्व में SSP रहे मोहनलाल क्या जी का। जब उनके साथ जनसलाब देखा, हमारा वहां पर सवाल हुआ कि यहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला होने जा रही है, पर जो SSP क्या साहब के प्रशंसक थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोई त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं होगी, ये सिर्फ एक तरफ मुकाबला होगा और इंडिपेंडेंट जहां से जो कैंडिडेट हैं मोहनलाल क्या जी वही जो है वो चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ पूरी बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं क्या साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टियां जो है किसी मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव लड़ती हैं। मैंने कुछ आपके जो मुद्दे आपने चुनाव के लिए चुने हैं उसमें मैंने एक पॉइंट देखा कि आपने कहा बॉर्डर पर सीमावर्ती क्षेत्र जो 10 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं उनको जो है सस्ती बिजली जो है वो मुहैया करवाएंगे, इसके लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए रेजी, ऐसा है कि मैं इस एरिए का रहने वाला हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरह से इस एरिए की प्रॉब्लम समझता हूँ। मेरी 12th तक की एजुकेशन जहाँ पे हुई है रूरल एरिया में, और मैं एक अपनी रूरल सोसाइटी से बड़ी भांति जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई बार मुझे आज ऐसे हम डोर टू डोर कम्पेन कर रहे थे, आज गलवड्डे चक में या कालहार गांव में एक दिन जा रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमारे लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले भी मुझे पूरी खबर थी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी बिजली का इशू है, आज भी हमारे गाँव में बिजली जो है आप देखेंगे कि अभी आप बैठे हैं तो बिजली नहीं है, ये इन्वर्टर पर सारा काम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इतने ज़्यादा कट्स हैं, हमारे बच्चे जहाँ पर पढ़ नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे रूरल एरिया में स्मार्ट मीटर लगा दिए, जो हमारा गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी इनकम ही नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा बिल दे दे, और फॉल्टी बिल आ रहे हैं धड़ाधड़। एक बंदे के घर के दो बल्ब हैं और उसकी जो बिल है 2.7 लाख आया, मुझे लोगों ने बिल दिखाया, वो जाके कनेक्शन करवाने के लिए जाते हैं तो अभी तक कनेक्शन नहीं हो रही। तो लिहाजा जैसे लोगों की मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इमीडिएटली जैसे असेंबली में पहुंचता हूं इसके ऊपर क्लियर कट एक पॉलिसी फ्रेम करवाऊंगा, जो कि 10 किलोमीटर बॉर्डर के एरिया में लोग आते हैं उनके लिए सब्सिडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जाए, जिसके साथ हमारे लोग जो इजीली बिल जो है मिनिमम बिल को पे कर पाएं, उसके ऊपर मेरा ये प्रायोरिटी का एरिया रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे हमारे एरिया में जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कि हर जब मैं गाँव में जाता हूँ या पहले मैं सर्विस में भी था, बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे रूरल एरिया में पीक पे चली गई है। आज के कुछ टाइम पहले रिक्रूटमेंट होती थी, बॉर्डर बटालियन खड़ी होती थी, अभी बॉर्डर बटालियन का अभी आप देखेंगे तो कठुआ से लेके पुंछ तक बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट हुई, जहाँ के हमारा रूरल एरिया के जो बच्चे थे वो आ ही नहीं पाए उसमें। अगर आप मढ़ बुला के देखें तो मुझे नहीं लगता 4 बच्चे आए मेरी कंस्टिट्यूंसी के। इसके लिए हम करेंगे कि ये जो बॉर्डर एरिया का मेरिट है वो कम हो, जिसके साथ हमारे बच्चे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ पाए, उसको स्ट्रीमलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब हेल्थ इशू का देखें, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मढ़ में, बिल्कुल उसमें भी पूरे डॉक्टर नहीं है। आप जाके देखिए कि फिजिशियन ENT का काम कर रहा है, गायन का कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। तो ये मैं स्ट्रीम लाइन, अगर जैसे मुझे मौका मिलता है मैं ये कोशिश करूंगा कि पंचायत लेवल पे हमारी जो एक छोटी डिस्पेंसरी जो हो, जहाँ पे बच्चे जो हैं हमारे उनको इतनी तकलीफ ना हो। मैंने 50 बार देखे, मेरे गाँव के लोग
यहां से निकलते हैं हॉस्पिटल मढ़ में जाते हैं, मढ़ में डॉक्टर नहीं है, रेफर टू जम्मू, सीधा रेफर होता, सीधा रेफर टू जम्मू होता है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ऐसा कई बार क्या होता है कि नेता जो है ना, कोई भी नेता हो, वो चीज बनवा जरूर देता है पर उसे बाद में मैनेज जो है वो कोई नहीं करता है। ये बहुत प्रॉब्लम का इशू है। मैंने देखा है कि जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसी ने बनवाया है, बिल्कुल अगर आज वहां पे सारे डिसिप्लिन के डॉक्टर हों तो मुझे लगता है कि हमारे एरिया में प्रॉब्लम जो है उसकी हल हो जाएगी, पर डॉक्टर है ही नहीं। अगर डॉक्टर जहां पे होगा, डॉक्टर अटैच कहीं सिटी में होगा, हमें तो अपनी मर की फैसिलिटी देखनी है। लिहाजा इसके ऊपर निश्चित करेंगे कि सारे डिसिप्लिन के डॉक्टर जहां पे होंगे और पंचायत लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी जो है लोगों को प्रोवाइड की जाए। साहब, आपने लंबे समय तक पुलिस में जो है वो सेवा दी, अब आप राजनीति में उतरे हैं और हम देख रहे हैं कि काफी लोग जो है वो आपके पीछे हैं, काफी युवा जो है आपके पीछे हैं, क्योंकि कैसा कितनी जरूरत होती है कि एक नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं जरूरी नहीं होता सुलझा हुआ नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ इतना जरूरी नहीं है। आज के जमाने में कितना पढ़ा लिखा नेता जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। रे जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल जितने आप एडमिनिस्ट्रेटर में काम है, पॉलिसीज हैं, जब तक आपको उनका नॉलेज नहीं होगा इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। अभी आप एक थानेदार को फोन करते हो, तहसीलदार को फोन करते हो, तो अगर आपको कुछ पॉलिसी का ही नहीं पता, SRO कौन सा है, तो आप कैसे उसका जवाब देंगे? वो आपको ऐसे करके भेज देगा। तो लिहाजा एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन के बिना, मैंने देखा है जितने बड़े बड़े नेता जो एजुकेटेड थे, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, उनकी वर्किंग का स्टाइल और अनपढ़ लीडर का स्टाइल जो था उसमें टोटल जमीन आसमान का फर्क था। अपने बिजी शेड्यूल में शायद आप हमें थोड़ा बहुत वॉच करते थे, जहां हमें पता है कैसे। अब डिग्री कॉलेज है हमारा यहाँ मढ़ में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक टीन की शेड के नीचे वो डिग्री कॉलेज चल रहा है, वहां पर प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। नंबर दूसरा, आप यकीन करेंगे मेरी बड़ी बात वहां पर जो बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है हमें टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पर प्रोफेसर लेक्चरर वहां पर है ही नहीं है। काफी ज्यादा बच्चों ने वहां पर हल्ला बल्ला भी किया, कैसे आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, हमारे अपने बच्चे हैं, जब तक हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जोर मैं डालूंगा, आप देखेंगे रे जी, मुझे मौका मिलता है ये मैं सारा स्ट्रीमलाइन कर दूंगा। बिल्कुल हमें खींच के लाना है सरकार से काम। जहां पे ये हालत है कि आप देखेंगे 3-4 स्ट्रीम है वहां पे, उनके लेक्चरर हैं, बाकी आपको साइंस स्ट्रीम का डॉक्टर है ही नहीं वहां पे। और आज भी हमारा बच्चा जो है वो जहां से जाता है साइंस कॉलेज पढ़ने के लिए, जबकि हमारा डिग्री कॉलेज है। जैसे मुझे आप मौका देते हो रे जी, आप जहां के लोकल भी हो, मैं आपको ये अश्योर करता हूं ये डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग, डिग्री कॉलेज प्रॉपर फंक्शन करना, इवन कि आप टू PG करवाऊंगा इसको। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, जो हमारे बच्चे हिंदी में हैं, जो मिनिमम छोटे सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन जो हैं, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हमारा घर से खाना खा के बच्चा जाके PG कर पाए, उस बच्चे को वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके ऊपर जोर देने की बड़ी जरूरत है। इसके साथ में एक नई बात ऐड कर देता हूं, आप देखेंगे कि हमारी मढ़ कंस्टिट्यूएंसी के आज भी, मैं आपको गिन के बता देता हूं कितने लड़के KS हैं, कितने लड़के KPS हैं, कितने लड़के सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे फिंगर पे हैं। कहने का मकसद ये है कि इतना हमारी एम्प्लॉयमेंट कम है कि हमें पता है कि किस गांव का लड़का सब इंस्पेक्टर है, किस गांव का लड़का KS है, किस गांव का लड़का KPS है, अदरवाइज है ही नहीं। इससे आप कहीं दूर के डिस्ट्रिक्ट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना है, कोचिंग सेंटर अवेलेबल हैं, हमारे हर बच्चा जो है कोचिंग सेंटर जम्मू में। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं कोचिंग सेंटर जो है वो जम्मू मढ़ में इस्टेब्लिश करवाऊंगा कि हमारी बच्ची और बच्चे वहां पे जाके कोचिंग करें और हर टेस्ट को क्वालिफाई करके पास करके और एम्प्लॉयमेंट में अपनी हिस्सेदारी लें। आप बड़े पद से रिटायर हुए हैं, मतलब वो जो कोचिंग सेंटर्स होंगे क्या वो निःशुल्क चलाए जाएंगे या उसकी कोई फी होगी? ये हमारे व्यूअर्स को सुनना चाहते हैं। उसमें हम मिनिमम फी रखेंगे, उसमें हम सरकार से मिनिमम फीस रखेंगे, उसमें उसके ऊपर बेटर जो टीचर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी दिल्ली के किसी के साथ मैं टाई अप करवाऊंगा कि जो हमारे बच्चे घर में बैठ के मढ़ में बैठ के KS KPS की तैयारी कर पाए, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर पाए, जिसके साथ हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का एक पैकेज मिले, एम्प्लॉयमेंट को उनको नौकरियाँ मिले। क्योंकि अभी भी मैं कई जैसे गाँव में जा रहा हूँ, हमारे रिक्रूटमेंट अभी मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, 2016 के बाद कोई टीचर की लिस्ट नहीं, हमारी बच्ची हैं MA BEd MEd, एक जो टीचर की क्वालिफिकेशन होती है वो लड़की अनएम्प्लॉयमेंट घर में बैठी है। कब होगा? उसकी एज हो गई है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं उनकी आवाज बनूंगा मर्द में, जैसे भी ये बच्ची हैं, ये मुझे मौका मिलता है आप, मैं आपको पूरी फुल गारंटी से बोलता हूं कि ये वाला ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे और पोस्टें निकलवाएंगे गवर्नमेंट से, और इतनी ज्यादा पोस्टें वेकेंट हैं जो कि पोस्टें भरी नहीं जा रही। आपको भरपूर प्यार मिल रहा है, क्या लग रहा है? जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, त्रिकोणीय श्रृंखला होगी,
तीन कैंडिडेट मुकाबले में होंगे, आपको क्या लग रहा है मुकाबला होगा? भाई रे जी, आप इधर के लोकल हैं, आप सारा जानते हैं, जहां मुकाबला नाम का लफ्ज खत्म हो गया है। लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, 90 के बाद जो हमारे आज के जो कांग्रेस के कैंडिडेट 34 ईयर के बाद लोगों को उनकी शक्ल दिखी, उसके बाद जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है वो भी आपके सामने है, 8th पास बंदा है, तो मेरे ख्याल में मेरे से बेटर मेरे लोग जानते हैं कि एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, वो इनकी पिछला एक्सपीरियंस भी लोगों को है कि क्या क्या काम किया इन्होंने, क्या क्या इनकी वो रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मुकाबला नाम का चीज़ जो है माता रानी की ब्लेसिंग से ख़त्म हो गया है, अभी तो वन साइडेड चल रहा है सारा। आज अगर आप देखेंगे, हम मैं छोटी सी एग्जांपल कोड करूंगा, हम कलवड्डे चैक में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, 300-400 बंदा जो था और एक गांव का हमारे साथ चल रहा था, और किसी बंदे ने ये नहीं कहा उसी गांव का वो कैंडिडेट है, किसी ने उसकी सपोर्ट में हमसे बात नहीं की। तीखा सवाल होगा आखिर में, जीतते हैं, जीतने के बाद किसी ना किसी पार्टी को समर्थन देना होगा, चाहे वो भाजपा है या एनसी है या कांग्रेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैच साहब के भी हाथ बंद जाएंगे जब उनके साथ समर्थन होगा? तमाम चीज़ें जो आज हमारे व्यूज के सामने आप रख रहे हैं, लोगों की मुद्दों की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हाथ बंद जाएंगे फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, फिर लोगों की आवाज़ बनना मुश्किल हो जाए? नहीं नहीं जी, ऐसा है, इन लोगों ने क्राइसिस में मेरा हाथ पकड़ा है। मैं आपको ये बात बड़े इमोशनल और बड़े फ्रस्ट्रेशन में बोलने जा रहा हूँ, ये लोग मेरी बाज बने हैं फ्रस्ट्रेशन में, मुश्किल वक्त में, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, जबकि मुझे मैंडेट की पूरी उम्मीद थी, तब लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है। जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी कंस्टिट्यूंसी ने मेरी जीत की है, मेरे साथ चले हैं, मैं जब तक इनके साथ इनकी ओपिनियन लेके ही आगे चलूंगा, उसके बिना इस टॉपिक के ऊपर मैं कोई डिसीजन नहीं कर सकता। भावुक जरूर हैं एसएसपी पूर्व में रहे कैच साहब, और साथ में ही जोश जरूर है, लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, कहा है कुछ उम्मीद थी कि एक मैंडेट मुझे मिलेगा, नहीं मिला, पर इस वक्त जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है, जिस तरह से हर जगह हर गांव में जाकर जिस तरह से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका कहना है चाहे कहीं भी खड़ा होना पड़े पर इन लोगों की आवाज़ जो है वो जरूर बनूंगा। फिलहाल बने रहे पर मरसद नई खबर के लिए, नमस्कार।